स्विच ऑफ करने से हो गया डीसी हाँ ऑफ। तो डीसी कंट्रोल ऑन करना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइट आ गया, आपको दिख रहा होगा ये। तो करेंगे प्रेस अभी, सेटिंग रहता है एंड खोलने के बाद यहाँ पे आपको इंजन मिलेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे और अच्छे रहना, मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। एंड आज यहाँ पे एक मोबाइल डीजी, मोबाइल डीजी क्या होता है, कैसा होता है, आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। एंड ये मेरे पीछे मोबाइल डीजी देख सकते हैं, गाड़ी पे चलता है फिरता डीजी जनरेटर वही है। सो मोबाइल डीजी भी बोलते हैं उसको, मतलब कहीं भी लेके आप कहीं भी लगा सकते हो। ये 440 वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं अपना। सो यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी ट्रक पे पूरा लगा हुआ, पूरा सेटिंग यहाँ पे देख लीजिए। एंड ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना डीजी है लेकिन चलता है बढ़िया से। सो ये रहा डीजी अपना, एंड इसके अंदर मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, बने रहे वीडियो पे। अभी यहाँ इसका दरवाज़ा है, देख सकते हैं ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा हमने खोल लिया और इसका अंदर है इंजन, यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे तो ये कवरिंग रहता है एंड खोलने के बाद यहाँ पे आपको इंजन मिलेगा। सो अभी इसको स्टार्ट करेंगे, काफ़ी पुराना है देख सकते हैं, आदम का ज़माना का है, देखने में पेंट वेंट भी पूरा जा चुका है यहाँ पे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। एंड यहाँ पे इसका है कंट्रोल पैनल, देख लीजिए ये है कंट्रोल पैनल। एंड यहाँ पे आरपीएम मीटर, ऑयल प्रेशर मीटर, बैटरी वोल्टेज का मीटर ये, एंड टेम्परेचर यहाँ पे देख सकते हैं इंजन कितना हीट हो चुका है क्या है, इसका पूरा यहाँ पे आपको पता लगने वाला है। सो इसका यहाँ पे की दिया हुआ है। एंड डीसी कंट्रोल ये है, ये जस्ट स्टार्ट बटन पुश बटन है। तो अभी सारा यहाँ पे इसका फ़ैन वगैरह रेडिएटर जो बोलते हैं काफ़ी बड़ा है, ये 500 KV है, 500 KV का डीजी आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड इसका यहाँ पे डीजल टैंक दिखाई दे रहा होगा आपको, ये डीजल टैंक है। एंड डीजल लेवल देखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं पाइप लगा हुआ है। तो ये डीजल टैंक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इसका पैनल है मेन पैनल, जो कि यहाँ से जो एसी वोल्टेज रिड्यूस होता है तो यहाँ पे पैनल पे सबसे पहले आता है। ये MCCB भी आपको नीचे दिख रहा होगा, ये काला काला ये MCCB भी है जो कि मेन सर्किट ब्रेकर है। एंड यहाँ से नीचे केबल दिया हुआ है, तो बाहर आपको पावर मिलेगा यहाँ से, और मुझे भी 440 वोल्टेज। सो इसका ये एयर फिल्टर है, काफ़ी बड़ा है दिख रहा होगा आपको। एंड अभी हम इसको चालू करने वाले हैं, तो सबसे पहले चालू करने के लिए इसको डीसी कंट्रोल ऑन करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइट आ गया, आपको दिख रहा होगा ये। एंड घुमानी है चाबी को, बाद इसको प्रेस करते हैं। तो करेंगे प्रेस अभी, गजब बेइज्जती है। 2 दिन से ये स्टार्ट नहीं किए थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अब फिर स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे यस स्टार्ट हो गया।
पाइप बंद करने की प्रक्रिया कुछ दूसरी तरीके के यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला जो आपको स्क्रू दिखाई दे रहा होगा, ये लूज करने से ये हो जाती है बंद। एंड फाइनली इसका हो गया एच एक, तो इसको टाइट करके रखते हैं। मैंने कर दिया इसको टाइट अभी। एंड अब डीसी पावर यहाँ पे ऑफ करते हैं। ये स्विच ऑफ करने से हो गया डीसी ऑफ, तो डीसी ऑफ हो गया। एंड की को भी ऑफ करके छोड़ते हैं। यस, तो फाइनली हो गया डीजी। तो मोबाइल डीजी यही था, ऐसा ही रहता है, मोबाइल डीजी चलता फिरता डीजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो यही था सारा वीडियो, मैंने आपको दिखा दिया सारा सीन क्या होता है, कैसे ऑन करते हैं एंड कैसा रहता है डीजी। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।